हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। और आज का हमारा टॉपिक वही है जो पिछली बार था, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। थोड़ा सा पार्ट बच गया था जो आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पिछली बार हमने जाना पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं ईएमएफ नापेगा किसी सेल का। तो क्या क्या काम थे इसके? पहला काम था टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेकेंड, टू कंपेयर ईएमएफ of two cells, और तीसरा to determine internal resistance of a cell। ये हमने पिछले बार देखा, पिछली जो सेशन हुई थी हमारी ऑनलाइन उसमें देखा था पोटेंशियोमीटर क्या होता है। उसके बाद जाना पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में देख लिया था, पिछले वीडियो में देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कौन से वाले के लिए, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये देख लिया था, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है ये देखा था, उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या फॉर्मूला बना था, और तीन चार न्यूमेरिकल भी करके हमने देखे। आज हम लोग बची हुई चीज पे देखते हैं, यही पोटेंशियोमीटर जब कंपेयर करना हो ईएमएफ दो सेल्स का, दो सेल है, दो इलेक्ट्रिकल सेल है और उनका ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, किसका ज्यादा है कितना कम है, कितना गुना ज्यादा है कितना गुना कम है ईएमएफ, वो करना है। आज हम ये करेंगे और ये भी करेंगे, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अगर हमारे पास एक सेल है तो उसमें कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है तो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे ये भी आज हम सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, इसे हम आज चालू करते हैं। लेट्स डू इट। So let us start with the topic potentiometer, but this time to compare the EMF of two cell. So let us start from the construction. पिछली बार हमने देखा था कि कैसा construction था। The construction was little bit like this. एक battery था, ये connected था दो terminals से, terminals के नाम थे A and B, जिसके बीच में एक अलॉय वायर कनेक्ट थी, बहुत लंबी है ना, लंबी हो सकती 10 मीटर की हो, 5 मीटर की हो, है ना, ऐसी इस प्रकार की, 1 मीटर वाली नहीं, 10 मीटर 5 मीटर कुछ इस प्रकार की, एल लेंथ, अभी हम मान लेते हैं एल लेंथ की अलॉय वायर कनेक्टेड थी। बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव वी वोल्ट की बैटरी, ओके okay? अब इतना तो कॉमन है, पहले जैसा ही इतना कॉमन है। अभी हम करने क्या वाले हैं, दो सेल को कंपेयर करेंगे, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, ठीक दिख रहा है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो सेल होने वाले हैं। दो सेल कैसे होंगे, तो ए पॉइंट से पहला सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक की ऐसा कनेक्शन, दूसरा इसको नाम दे देते हैं ईएमएफ, इसका मान लो ई वन है, रेजिस्टेंस है आर वन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, और ये की है की वन के वन। दूसरा सेल कनेक्ट करते हैं ई टू, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू, यहां भी की लगा देते हैं के टू, की बोलो या स्विच बोलो के टू,
और ये हो गया कनेक्शन। अब देखो यहां से कॉमन एक वायर निकाले, ये वायर कनेक्ट होगा एक गैल्वेनोमीटर से, जहां से निकलकर एक जॉकी जाएगा जे। जॉकी याद आ रहा है, जॉकी के बारे में मैंने बताया था, एक पेन टाइप का नाइफ एज्ड है ना, धार वाला एक पेन टाइप का होता है, जो हम वायर में टच करके क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते हैं, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग का हमको क्या लाना है, जीरो लाना है, वो पॉइंट ढूंढना है जिसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। ओके, ये डायग्राम, इतना डायग्राम तो पहले जैसा था, अब इधर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लगे, दो सेल की बात हो रही है, ठीक है, दो की दे दी है, ऑब्वियस सी बात आप समझ गए होंगे, एक को चालू करेंगे, एक को बंद करेंगे, एक को बंद करेंगे, दूसरे चालू करेंगे, कुछ ऐसा करने वाले और नल पॉइंट ढूंढेंगे हर बार, ठीक। अभी बात समझने वाली और भी है, अभी मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये जॉकी को इसमें बैटरी से कनेक्ट, इस बैटरी को कनेक्ट करके रखें ए और बी टर्मिनल के बीच, ठीक। इस जॉकी को हम लोग हर जगह नल पॉइंट ढूंढने के लिए ढूंढेंगे, मगर अभी तो दोनों की खुली हुई, अभी दोनों की खुली हुई, ठीक। तो उसके पहले वाली स्टोरी बात करते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का, वी पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का, इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि इस तरफ में जीरो पोटेंशियल है और इस तरफ में वी पोटेंशियल है, याद आ रही वाली बात, पिछली बार भी बताया था। अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक तरफ वी पोटेंशियल मान लेता हूं, दूसरी तरफ जीरो पोटेंशियल मान लेता हूं, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस वी बन रहा होगा, अज्यूम लाइक दैट। अब देखो यहां पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां भी जीरो, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां भी जीरो, ए टर्मिनल में कितना पोटेंशियल आ रहा है, जीरो। इधर देखते हैं यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक। तो ए टर्मिनल के बीच में, ए और बी टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल आ रहा है, जीरो और वी, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन रहा है, वी, पोटेंशियल का डिफरेंस वी माइनस जीरो यानी वी, ओके। अब देखो हम लोग अब करने क्या वाले, पहली चीज जो यहां करेंगे, फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, हम लोग इस के की वन, की के वन को, की के वन को क्लोज करेंगे, क्लोज करोगे स्विच ऑन बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे आसान है स्विच ऑन कर दो, हम लोग सबसे आसान समझते हैं स्विच ऑन कर दो, तो स्विच ऑन का मतलब ऐसे ही होता है स्विच ऑन बटन दबा दिए, यहां से अब बात चालू हो रही है। पहला क्या लिखूंगा मैं, व्हेन की के वन इज क्लोज्ड, देखो ये बात याद रखना, की के वन इज क्लोज्ड का मतलब क्या है, स्विच ऑन किया मैंने, है ना, की के वन इज क्लोज्ड। अब हम लोग क्या करने वाले, की को क्लोज कर दिए या फिर बोलो यहां से स्विच ऑन कर दिए हमने, इधर अभी भी बंद है, इधर ओपन ही है ना, ओपन है ये सर्किट, ओपन है वाला, इधर से क्लोज है। अब देखो क्या हो रहा है, नाउ व्हाट विल हैपन, लुक फॉर दैट, हम लोग अब जॉकी को एक जगह रखकर देखेंगे, एक जगह रखकर देखा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कुछ ऐसे आ रही, मान लो इन केस मान लो ऐसे आ रही है, ये जो डायल है वो इधर घूमा, ठीक। अब इस जॉकी को फिर इधर कहीं रख के देखेंगे तो डायल जो है गैल्वेनोमीटर का वो कुछ ऐसा घूमा, ठीक है, हम लोग समझ गए कि अब ठीक काम कर रहा हमारा सर्किट, ठीक काम कर रहा। अच्छा बात याद रखने वाली कि नेगेटिव इधर है तो इसका भी नेगेटिव ए से कनेक्ट होना चाहिए और इसका भी नेगेटिव ए से कनेक्ट होना चाहिए, ए की तरफ होना चाहिए, ठीक। ये पहले ही बताया था मैंने, एक न्यूमेरिकल भी कराया था इसका, ठीक। जॉकी को इधर रख के देखा, इधर रख के देखा, डायल हो रहा है मूव, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर डायल मूव नहीं होगा, मतलब जीरो में रहेगा, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ऐसा कुछ मिलेगा, मान लो यही मिलता है, मान लो सी में मिल रहा है मुझे, मान लो सी में मुझे एक सी क्या बोलूं मैं, समझ लो जे ही बोल देता हूं, जे ही बोल देता हूं, जे पे मुझे मिल रहा है, जे जॉकी जहां रखा है वहां पे मुझे डायल मूव नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन मिला, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, इसका मतलब मैं मान लो ये लेंथ को मान लेता हूं एक्स वन, एक्स वन दूरी पर, तो मैं क्या लिखूंगा, वेन की के वन इज क्लोज्ड, की के वन को क्लोज किया और नल पॉइंट ढूंढा तो मुझे नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ एक्स वन फ्रॉम ए,
x1 दूरी पे मिला a से, ठीक, x1 दूरी पे मिला a से, x1 दूरी पर मिला a से, आगे देखते हैं क्या होगा। सो हमें नो डिफ्लेक्शन इस पॉइंट, नल पॉइंट है ना, नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट x1 फ्रॉम a, x1 दूरी पर मुझे नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब गैल्वेनोमीटर करता क्या है, करंट को, करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं ये बताता है, इधर मूव हुआ तो ऐसे फ्लो हो रहा करंट, इधर मूव हुआ तो ऐसे फ्लो हो रहा करंट, और अगर बीच में रुका हुआ है वो मतलब नो करंट इज देयर। करंट कब क्यों नहीं, कब नहीं होता, करंट कब फ्लो नहीं होता, जब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही ना हो। इसका मतलब ए जे दो टर्मिनल ले लेता हूं और इधर ले लेता हूं पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस, ठीक। तो पी क्यू देखो, ए जे और पी क्यू देखो, अभी वो क्या है, करंट कैसे जा रहा है, मतलब मान लो सर्किट कौन सा ओपन है, देखो यहां से ये ओपन है, ठीक, यहां से फ्लो होगा, यहां से ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए, है ना, और यहां से ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए, यू करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, मगर हमको एक नल पॉइंट मिल चुका है जो यहां पे बता रहा है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ कि ए जे और पी क्यू दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए, दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, जीरो इज द वैल्यू ऑफ करंट, और वैल्यू करंट जीरो है तो डायल भी नहीं मूव होगा, इसका मतलब ए जे और पी क्यू दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए। फिर वही बात हो गई, अब देखते हैं इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मगर इधर से मैं ए जे के बीच के टर्मिनल, मतलब मैं बात करूं ऐसी वी ए माइनस वी जे, अभी मैं जे ही बोल रहा हूं, सी रखने से अच्छा जे ही बोल देता हूं, ठीक, वी जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहां पे, वी पी माइनस वी क्यू, ठीक, वी ए माइनस वी जे। अब देखो वी ए से लेकर बी तक कितना पोटेंशियल था, वी था, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, वी बाय एल, क्योंकि एल दूरी थी। अब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ x1 इंटू x1 हो गया, ये कितना हुआ वी अपॉन एल इंटू x1 हो गया, ए से जे तक का पोटेंशियल, ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए माइनस वी जे, ये बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। अभी ये बात पिछली बार में हमने किए थे, तो V अपॉन L इंटू X1 ये हो गया VA माइनस VJ। ये बात समझ में आई, ये पिछली बार हमने समझा था, V अपॉन L पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, मतलब लेंथ के हिसाब से कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा, तो जितना चेंज हो रहा उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे आपको लेंथ पता करना है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, VA माइनस VJ। VA से VB तक V पोटेंशियल था, तो वी ए से वी जे तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, x1 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब वी पी माइनस वी क्यू देखते हैं, पी से क्यू में जाते हैं तो क्या है, यहां तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू हियर, बट वन थिंग इज देयर, अ सेल इज देयर, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा हूं मैं, तो प्लस ई लूंगा, प्लस ई लिया तो, और बाकी करंट तो है नहीं, तो ये रेजिस्टेंस का कुछ नहीं होना है, की तो की होता है सिंपल, सो इट विल बिकम ई E1 लूंगा, E1 इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू X1, ये इक्वेशन वन बन गया मेरा, इक्वेशन वन बन गया। इक्वेशन वन को यहां लिख देता हूं ताकि मिटाना पड़ेगा, तो E1 इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू X1। ओके, नाउ वी विल मूव टू, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ इसको मिटाया जाए, हम लोग अब इसको ओपन कर देंगे, इस की को ओपन कर देंगे यानी स्विच ऑफ कर देंगे इसको, और इधर स्विच ऑन कर देंगे या फिर इस की को क्लोज कर देंगे। की को क्लोज करना मतलब अब ये यहां से कोई करंट नहीं जाने वाला, बाय द वे करंट तो जा ही नहीं रहा था जब नल पॉइंट ढूंढे थे, मगर अभी नल पॉइंट नहीं ढूंढे, ये वाला सर्किट ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया मतलब इसमें से अब की को हमने बंद कर दिया, की को बंद कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, जो भी हो, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट x2 बोलता हूं फ्रॉम a। अब क्या हो रहा है, मैंने इसको की को क्लोज किया, की K2 को क्लोज किया, और उसके बाद अब मैं नल पॉइंट ढूंढना फिर से चालू करता हूं, इसको ओपन रहने दूंगा ना, इसको ओपन रहने दूंगा,
क्योंकि अब इसका काम है, E2 का काम देखना है अपने को। सो इधर जॉकी को रखते गया रखते गया, मुझे एक पॉइंट पे मान लो यहां पे कहीं एक पॉइंट मिला जहां डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर का। क्या करते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, इधर मिल रहा है डिफ्लेक्शन, हाँ इधर मिल रहा है डिफ्लेक्शन, इधर एक पॉइंट आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा उन दोनों के बीच में कहीं पे, तो वो पॉइंट को जे डैश बोल दिया मैं, इस बार जे डैश बोल दिया, जो कितना दूर है, जो दूर है x2 लेंथ। देखो इसीलिए लिखा है नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ x2 फ्रॉम ए, कब के लिए, जब मैंने सेल 2 दूसरे नंबर के सेल के की को चालू किया, की को क्लोज किया मैं, ठीक। तो अब करंट की क्या बारी हो रही है, देखो करंट यहां फ्लो नहीं हो रहा, तभी जाके डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, ठीक। अब फिर से वही बात, क्या यहां पे क्या वी ए माइनस वी जे डैश इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर, याद रखना ऊपर का की बंद है, सॉरी ऊपर का की ओपन है, यानी यहां वाला कोई काम नहीं हो रहा, इधर से ही हो रहा बस, ठीक। मगर करंट फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमको यहां नल पॉइंट मिला है, ये ए जे डैश का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एस और आर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अरे सीधी सी बात, देखो इस पॉइंट को मैं मान लो वाई बोल देता हूं, ठीक। तो मैं यहां से वाई तक पहुंचता हूं और ये वाई पे कितना पोटेंशियल बन रहा है उसको कैलकुलेट कर देता हूं, यहां पे जो पोटेंशियल होगा ना वो जे डैश में जो पोटेंशियल है उसी के बराबर है। तो देखो यहां तक के लिए वी था, ए से बी तक के लिए वी पोटेंशियल था, अब मैं ए से जे डैश तक के लिए वी पोटेंशियल, देखो इधर का तो जीरो है, उधर तक का पता करना है तो वी अपॉन एल इंटू एक्स टू बोलूंगा, क्या है ए से बी तक का एल लेंथ था, वी पोटेंशियल था टोटल, ठीक। तो अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है वी अपॉन एल, एल लेंथ के लिए वी पोटेंशियल, तो यूनिट लेंथ के लिए वी अपॉन एल पोटेंशियल। अब मुझे x कोई भी x2 x1 किसी के लिए पता करना है तो उसमें x2 मल्टीप्लाई कर दो v upon l में, तो ये हो गया v upon l into x2, इतने लेंथ के लिए पोटेंशियल मिल गया मुझे, ठीक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। मगर वही पोटेंशियल यहां पर बराबर होगा, और यहां पे कितना है, यहां से देखते हैं, s से मुझे y तक पहुंचना है, चलो s से मैं गया एक सेल पड़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं माइनस e2 पॉजिटिव E2 है ना, हायर पोटेंशियल में जा रहा हूं, कम से ज्यादा में जा रहा हूं, है ना, नेगेटिव इज ऑलवेज इन लो पोटेंशियल एंड पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव, ठीक। करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, नल पॉइंट मिल चुका है, तो R2 से कोई करंट नहीं जा रहा, कुछ मतलब नहीं, R में पहुंचे कोई रेजिस्टेंस का काम ही नहीं, करंट ही नहीं आ रहा, वाई में भी उतना ही होगा, ठीक। यानी कि ये बन गया, इसका मतलब हुआ E2 is equal to V upon L into X2, और ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये है। क्या करेंगे अब हम लोग, अब एक काम करने वाले, मैं यहां लिख देता हूं E2 की वैल्यू, E2 is equal to V by L into X2, इक्वेशन 2, क्योंकि इसे मिटाना चाहता हूं मैं। Now what we will do, we will divide equation 1 by equation 2। इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, क्या मिलेगा देखो, E1 by E2 इज इक्वल टू V by L इंटू X1 अपॉन V by L इंटू X2, V by L कैंसल, E1 by E2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2, ये आई काम की चीज। मतलब इसका मतलब ये है, हम X1 और X2 को कैलकुलेट कर लें, नल पॉइंट कैलकुलेट कर दें, तो हमको एक रेशियो मिल जाएगा जो हमें बताएगा कि पहला सेल दूसरे सेल से कितना ज्यादा EMF वाला है, रेशियो मिल जाएगा ना। मान लो ये लेंथ आया 50 और ये लेंथ आया 100, तो 1/2 आया, 1:2 कंपेरिजन है ना, हम लोग कैसे करते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब ही हम लोग मैथमेटिकली कैसे करते हैं, रेशियो के थ्रू, बात आ रही है पहले पढ़ चुके 8th 7th में रेशियो, तो वही हुई। बाय द वे एक और चीज कर सकते हैं कि अगर एक का EMF मालूम है तो दूसरे का EMF पता चल जाएगा, सोचो क्यों, नल पॉइंट दूर दिए, X1 और X2 तो हमारी रीडिंग होगी, X1 और X2 तो हमारी रीडिंग है, हम लोग ढूंढेंगे उसको, और एक का EMF पता है तो दूसरे का EMF भी पता चल जाएगा,
है ना, ईएमएफ एक का पता है दूसरे का पता कर लो। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कंपेयर भी करना और ईएमएफ किसी एक का पता करना अगर दूसरा पता है तो। है आसान, क्या फॉर्मूला बना, E1 upon E2 is equal to X1 upon X2. Very easy. I don't think that any numerical is needed. Particularly for this, very important thing is its construction. ये construction याद रखना है। दो बार हमें reading लेनी है, दो बार हमें दो cells के लिए reading लेनी है, एक E1 के लिए और एक E2 के लिए। और उससे हमको दोनों cell के EMF का comparison पता चल जाएगा। यहाँ पे जो R1 और R2 है ना, ये वैसे ही रह जाएंगे क्योंकि उनमें से current ही नहीं flow हो रहा। अगला देखेंगे हम जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी सेल का, तब हम उसमें से करंट फ्लो कराएंगे। कैसा होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। बाय द वे, राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग यू एनी न्यूमेरिकल ऑफ इट। देखेंगे कभी रिवीजन करना पड़ा इसका अभी फिलहाल में, तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी थ्रो करेंगे। बहुत आसान है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2। तो आगे बढ़ते हैं टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। So now let us move to the third use of potentiometer. Potentiometer के तीसरे तरीके का उपयोग क्या है? To determine the internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell calculate करना, एक cell दिया जाए और उसका अगर आपको internal resistance नहीं पता, आप calculate कर सकते हैं यहाँ पे। Now let us see किस तरीके का construction होगा। Construction का पहला part जो मैंने पहले ही बताया कि ऊपर का जो पार्ट है वो सेम रहने वाला है, क्या कि एक वी पोटेंशियल का बैटरी रहेगा, उससे ए और बी टर्मिनल कनेक्टेड रहेंगे और एल लेंथ का वायर इसमें बीच में लगा हुआ होगा। ये वायर फिर वही बात अलॉय का होगा ओके, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक जैसा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक, अब अगली बात जो बढ़ रही है यहाँ पे तीसरे तरीके के लिए, कि यहाँ पे ए टर्मिनल से आप एक सेल को कनेक्ट करो, ईएमएफ है उसका, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हमें अभी कैलकुलेट करना है वो आर है ओके। और उसके बाद एक चीज इसमें अब आगे आएगी कि अब यहां से इसके पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस जिसका आर की वैल्यू हमें पता है, ये आर रेजिस्टेंस हमें नोन है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे या फिर मैं इसकी जगह रेजिस्टेंस बॉक्स बना देता हूं। ठीक, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, डोंट वरी आई विल शो यू दैट ऑल्सो, मगर अभी समझ लो कि मैं इसकी जगह एक रेजिस्टेंस बनाता यू ऊपर नीचे लाइक दैट, है ना, पहाड़ जैसा, और आर लिख देता और वो आर की वैल्यू हमें पता रहती, हम सेट करते वो आर की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस बॉक्स वैसे ही कुछ होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा होता है, उसमें ना ऐसे ऊपर में प्लग लगे रहते हैं, जितने का प्लग लगाओगे उतने का रेजिस्टेंस वो दे देता है, 10 ओम, 5 ओम, 100 ओम, 50 ओम, जो भी। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें पता है आर, तो मैं यहां आर भी आप समझ जाना आर लिख रहा हूं, बस आर लिख रहा हूं, मतलब आर रेजिस्टेंस का इसमें हमें दिया हुआ है। और यहां से कनेक्टेड रहता है एक गैल्वेनोमीटर जिसमें से जॉकी निकली रहेगी, और हम लोग ढूंढने क्या वाले हैं, हम लोग ढूंढने वाले हैं एक नल पॉइंट, जैसा कि हर बार ढूंढ रहे हो, नई बात नहीं। ठीक, तो चलो थोड़ा सा नाम दे देते हैं, PQRS इस वाई, ये पॉइंट को वाई बोलता हूं मैं ओके, और फिर यहां पे आ जाएगा जे ओके। अच्छा, एक और चीज, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के पास में एक की रहेगा। पिछली बार हमने दो की लगाई थी ना, यहां पे एक ही की जरूरत पड़ेगी, एक की लगाओ बस, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बस एक की लगाना है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या बताया मैंने, ऊपर का बिल्कुल वैसे ही पार्ट, जितना रेजिस्टेंस, जितना वी पोटेंशियल है, वी को मतलब यहां पे वी बोल सकता हूं और यहां पे जीरो बोल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस वी बनेगा,
इधर भी जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर भी जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर आते हैं, इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि ए से बी लेंथ में, ए से बी वायर में, ए बी वायर में एल लेंथ का है जो, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है इस बैटरी के कारण, वी माइनस जीरो, यानी वी वी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ईएमएफ दिया हुआ, एक सेल लगाए हैं, फिर वहां पे एक सेल लगाए हैं ई, ईएमएफ का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक। फिर उसी के पैरेलली एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसका नोन है हमें रेजिस्टेंस आर, उसमें से कनेक्टेड है की, और फिर दोनों मिलकर एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और वो जॉकी से कनेक्टेड है। और जॉकी से हम लोग अब क्या ढूंढने वाले, अब ढूंढने वाले हम लोग नल पॉइंट, नल पॉइंट ढूंढने वाले। मगर सबसे पहले, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला वर्किंग में व्हेन के की इज ओपन, पहले क्या करेंगे, व्हेन की के इज ओपन, पहले इस की को ओपन रखे रहेंगे, ओपन रखें, खुला रखे हुए, और अब हम लोग जॉकी से नल पॉइंट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढना है फिर से, भाई ये ओपन है ना, ओपन है मतलब इधर का कोई रोल ही नहीं, अब इधर का कुछ काम ही नहीं है, ऊपर से ही काम है बस ई ए सेल से और ये इंटरनल रेजिस्टेंस से, हाँ, और ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी, जॉकी को इधर रखे गैल डिफ्लेक्शन ऐसा मिला, जॉकी को इधर रखे डिफ्लेक्शन ऐसा मिला, फिर पास आते गए, एक जगह ऐसा आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, वो पॉइंट होगा जहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, कौन से सर्किट में, ये वाले सर्किट में, कौन से सर्किट में, ये वाले सर्किट, क्योंकि ये तो की ओपन है यहाँ पे कोई काम ही नहीं हमको, ये वाले सर्किट में। तो एक मिल गया हमको पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। नल पॉइंट मिलने पर हमें पता है क्या हो रहा है, अभी देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो जब ये की के ओपन है तब हमको नल पॉइंट मिला है एक्स वन दूरी पर, एक्स वन दूरी पर, तो लिख देता हूं नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट लेंथ x1 फ्रॉम a, ठीक, x1 दूरी पर मिला है a से, कब, जब ये की के ओपन है, किसका काम हो रहा है, बस ये सेल और रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए जे जो पोटेंशियल में है वही पी क्यू पोटेंशियल है। अब पी क्यू क्यों बोला, y को देखो, y जो पोटेंशियल में होगा, अभी y कनेक्ट है और इधर है ना जे, जे पॉइंट बोल देता हूं मैं यहां पे, तो ये जे पॉइंट और वाई पॉइंट में के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, करेक्ट, गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को बताता है वो अपने डायल से, तो यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस एजे में है, एजे लेंथ में, उतना ही पी क्यू या फिर बोल सकता हूं वाई, पी वाई में है, तो मैं सीधा बोल देता हूं यहां पे वी ए माइनस वी जे इज इक्वल टू पी वी पी माइनस वी वाई, ठीक। अब देखो ये भी जीरो में है तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी जीरो में ही आएगा, हर बार ये जीरो में ही आता था, ठीक, ये जीरो में है मतलब पी से लेके वाई तक, पी से लेके वाई तक कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण यहां तक का पोटेंशियल, यहां तक का पोटेंशियल तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां तक वी है, तो ये ए से लेकर जे, ए से लेकर बी तक वी पोटेंशियल है एल लेंथ के लिए, तो ए से लेकर जे तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, जो भी होगा वो बिल्कुल पी वाई के बराबर होगा। अब देखो पी का तो जीरो है ऑलरेडी, ए का भी जीरो था, पी का भी जीरो है पोटेंशियल, यहां का जो पोटेंशियल है ना वो यहां के बराबर है। अब देखते हैं ए जे, सॉरी ए जे का वी ए माइनस वी जे क्या होगा, V upon L into X1, फिर वही बात, A से लेके B तक V potential, L length के लिए, तो potential gradient क्या हुआ, V by L, उतने में जितना length तक का आपको पता करना है उसको multiply कर दो, X1 तक का पता करना है मेरे को, ये length मैंने ढूंढ लिया, यहाँ पे scale रहेगी हमारी, scale रहेगी, scale के हिसाब से इतने दूरी पर मिला हमको, X1 value रख दिया मैंने, ठीक। अब V से लेके P तक चलते हैं, पी से लेके वाई तक चलते हैं, सॉरी पी से लेके वाई तक चलते हैं, क्या क्या मिलता है देखते हैं, करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मिला हमें नल पॉइंट, करंट फ्लो नहीं हो रहा यहाँ पे, नेगेटिव से पॉजिटिव देखो गया, बीच में सेल सेल पड़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में गया मैं, ईएमएफ मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा कितना, ई, वो भी प्लस में,
क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में गया मैंने, हायर पोटेंशियल में गया, ठीक, करंट फ्लो नहीं हो रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस मिला मगर उसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इसको भी कुछ नहीं करूंगा। आगे बढ़ा, कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही, वायम पहुंच गया, वायर से गैल्वेनोमीटर, यानी कि सिर्फ यही आएगा, यानी कि अब बचा हमारा E1 इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स वन, इक्वेशन नंबर वन। इसको लिख दिया जाए यहां पे, कैसे आ गया पता चल गया, तो ये मिल गया E1 इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स वन, इक्वेशन नंबर वन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के ये देखेंगे कि की को अब ऑन करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं इसी में, है ना, कंफ्यूज मत होना। व्हेन की के इज क्लोज्ड, व्हेन की क्ले की के इज क्लोज्ड, मतलब अब मैं क्या करने वाला हूं, ये की को बंद करने वाला हूं, मतलब अब ये वाला पार्ट भी एक्टिव हो गया, ये वाला पार्ट भी अब काम आएगा, ठीक। नल पॉइंट ढूंढूंगा अब मैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब फिर से नल पॉइंट ढूंढना चालू कर रहा हूं। अब क्या हो गया, ये सेल भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ काम आ रहा है और ये रेजिस्टेंस भी काम आ रहा है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में हमें नोन है कितना रेजिस्टेंस है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें नल पॉइंट ढूंढना, इधर देखा डायल ऐसे जा रहा, इधर देखा गैल्वेनोमीटर का डायल ऐसे जा रहा, कहीं बीच में नल पॉइंट ढूंढा। मान लो मुझे नल पॉइंट मिला है यहां पर, यहां पे नहीं मिलने वाला बाय द वे, है ना, इससे कम जगह मिलेगा, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। अब वो कब होगा वो आप लोग प्रैक्टिकल में जानोगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। चलो ये मिला मुझे जे डैश में, जे डैश जॉकी वहां पे रखे, वहां पे हमें मिला नल पॉइंट इस केस में। सेकंड क्या है, व्हेन की के इज क्लोज्ड, ये की को मैंने क्लोज कर दिया, तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट एक्स टू फ्रॉम ए। तो चलो ये दूरी मेरी है एक्स टू, एक्स टू ए से जॉकी जहां पे नल पॉइंट दिखाया वो एक्स टू दूरी पे है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग है, अब देखते हैं अभी क्यों नल पॉइंट मिला, यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो क्यों मिला, करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा, कि वाई में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है वो जे डैश के बराबर हो गया। वाई में कितना पोटेंशियल है ये पता करना है बस, बाकी सब चीज आसान है। वी ए माइनस वी जे की कहानी तो बिल्कुल वैसी होगी। अब यहां पे देखते हैं वी वी, देखो वीपी वी एस दोनों बार में हमें जीरो ही मिलना है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ठीक। अब मुझे देखना है वाई की बात करनी है, ठीक है, इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। अब यहां पे क्या कहानी हो रही है ये देखते हैं। देखो करंट ऐसा फ्लो नहीं होने वाला, वाई से जे में नहीं जाने वाला, मगर मगर करंट ऐसा कुछ फ्लो जरूर हो रहा होगा, करंट ऐसा कुछ फ्लो जरूर हो रहा होगा, यहां पे जरूर फ्लो हो रहा होगा, यहां पे नहीं हो रहा होगा क्योंकि y, वी वाई और वी जे दोनों बराबर होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चार वोल्ट यहां, चार वोल्ट यहां, पांच वोल्ट यहां, पांच वोल्ट यहां, इसलिए वो फ्लो इधर नहीं हो रहा, मगर इधर तो फ्लो हो रहा होगा, यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस घूम के आ जाएगा। मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है यहां पे, आई करंट फ्लो हो रहा, ये गया यूं गया, आई करंट यूं गया, यूं गया और वापस आ गया, ठीक, इधर नहीं जा रहा कोई भी करंट, ये आई करंट जो है उसका कुछ भी पार्ट गैल्वेनोमीटर से नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि हमने नल पॉइंट ढूंढा है, ठीक। ये आई करंट के बारे में बात करते हैं, देखो ईएमएफ का सेल है, आई करंट पता करना है। देखो इस सेल से इंटरनल रेजिस्टेंस आर, छोटा आर, और इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा आर, कौन से कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, देखो करंट जा रहा है दोनों में से, आई करंट सीरीज कनेक्शन में है, तो चलो सीरीज कनेक्शन के लिए मुझे मालूम है ओम्स लॉ लगा देता हूं यहां पे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस छोटा आर, ठीक। E हमारा ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात आ रही है ना यहां पे, है ना, आई इंटू छोटा आर प्लस बड़ा आर, ठीक। अब देखो आई पता करना है मुझे, तो आई इज इक्वल टू, क्योंकि ई की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, कोई बात नहीं, ई इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू ई अपॉन बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये बात हो गई, इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू ई अपॉन बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक। अब पहुंचते हैं हम लोग इस वाई पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे पहुंचना है और हमें जानना है कि
यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलो पी से वी तक जाता हूं मैं, करंट ऐसे जा रहा है ना, पी से वी तक जाता हूं मैं, चलो पी से वी जा रहा हूं, पाथ मेरा कैसा है देखो, मैं पी से वी तक जा रहा हूं, पी से वाई तक जा रहा हूं, सॉरी पी से वी कहां आ गया, वाई वाई तक जा रहा हूं। ये ईएमएफ है और आर रेजिस्टेंस है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, याद है किरचॉफ्स लॉ का पाथ वाला बात बताया था मैंने, पी से गया आगे ईएमएफ पड़ा, सॉरी ई सेल पड़ा ईएमएफ का। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, मुझे मिल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, यानी कि प्लस ई। अब करंट फ्लो हो रहा है भाई, करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहां पे आई करंट फ्लो हो रहा था, तो देखो अब यहां पे मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो किरचॉफ्स लॉ में क्या करता था, आई आर पोटेंशियल ड्रॉप माइनस मिलूंगा मैं, याद आ रही वाली बात, आई आर पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस में लूंगा मैं, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में जा रहा हूं, और करंट कहां से फ्लो होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, है ना, सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा हूं मैं, इसलिए माइनस में लूंगा, लो हो रहा है ना, माइनस में लूंगा। प्लस ई क्योंकि मैंने एक सेल को क्रॉस किया जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं। अब और कुछ पड़ रहा है क्या बीच में, नहीं, इज इक्वल टू क्या पड़ेगा इसी पॉइंट का, मुझे इसी पॉइंट का तो मुझे क्या पता करना है, क्या पता करना है मुझे, पोटेंशियल पता करना है, वीपी वी वाय माइनस वीपी फाइनल माइनस इनिशियल, कहां से चला था, पी से, इसलिए उसको माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को जहां पहुंचे हैं माइनस इनिशियल, जहां से निकले थे। ठीक, अब हमें मालूम है यहां तो जीरो है भाई, यहां तो जीरो है, हमने अब पहले से मान रखा था, इसको हटा देता हूं जीरो था करके, माइनस जीरो करके हटा देता हूं, तो मुझे ये वी वाय पोटेंशियल एट वाई मिल गया, मुझे पोटेंशियल एट वाई मिल गया, कितना मिल रहा है, प्लस ई माइनस आई आर, ठीक दिख रहा है, प्लस ई माइनस आई आर, ये बात समझ में आई कैसे हुआ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, ये पोटेंशियोमीटर में सबसे बड़ा थोड़ा सा कठिन चीज है ये पार्ट, कैसे हुआ देखो, हमने की ऑन कर दिया, अब तो करंट फ्लो हो रहा है, वो यहां पे हो जा रहा है फ्लो, इधर नहीं जा रहा, बस क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि नल पॉइंट ढूंढ दिया हमने, क्यों, क्योंकि वाई में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा ना, वो जे डैश के बराबर रहा होगा, मगर करंट तो इधर फ्लो होगा भाई, ईएमएफ अपना बना रहा है सेल, वो इधर फ्लो कर दे रहा है, आर और आर दोनों सीरीज में है, इसलिए मैंने आई की वैल्यू पता कर ली। ठीक, क्यों पता कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे आई की वैल्यू रखने वाला हूं, ये आई की वैल्यू को यहीं पे रखूंगा। ठीक, और ये वी वाई मुझे पता करना था, क्योंकि ये वी वाई जितना है ना, उतना ही ये जे डैश में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो ये वी वाई पता चल गया। अब देखो ये वी वाई में, मैं वी वाई में अभी पता चल गया मुझे, तो यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटाया जाए, वी वाई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वेशन टू, इसको भी याद रख ली, अब पूरा मिटाता हूं मैं। अच्छा, आई इज इक्वल टू भी आया है हमारा, आई इज इक्वल टू क्या आया है, ई अपॉन आर प्लस आर, क्यों आया, सीरीज में करेक्शन था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम लोग पहुंचते हैं बैलेंस पॉइंट की बात करते हैं। पहला इक्वेशन आया था ई इज इक्वल टू ई वन इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू एक्स वन। ठीक, अब ये दो बातें साथ में आ गई, दूसरी बार का जब देखे की क्लोज किए तो, और एक बात आएगी साथ में कि यहां से ए से लेके जे डैश तक और पी से वी वाई तक, है ना, पी से वी वाई बोलो या एस से वी वाई, तो आपको मिलेगा यहां पे वी ए माइनस वी जे इज इक्वल टू, यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो वी वाई के बराबर है। अब मैंने वी पी क्यों नहीं लिया और वी एस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो जीरो पोटेंशियल में बोल सकता हूं ना, या तो मैं सीधा बोल दू वी जे डैश इज इक्वल टू वी वाई। अब वी जे डैश की बारी, यहां पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ना, यहां पे जीरो है इसलिए हटा दिया, ये हो जाएगा वी एल अपॉन वी अपॉन एल इंटू एक्स टू, देखो एक्स टू डिस्टेंस में। अब वी वाई का अभी हमने वैल्यू रखी थी कितना, वी वाई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आई की वैल्यू रख देता हूं यहां से, तो वी अपॉन एल इंटू एक्स टू इज इक्वल टू ई, सॉरी यस, ई माइनस ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर छोटा आर, ऐसा करता हूं डायरेक्ट अंदर ही ले आता हूं,
ई आर। थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, वी अपॉन एल इंटू एक्स टू इज इक्वल टू, एक साथ ले लेता हूं, बड़ा आर प्लस छोटा ई, बड़ा आर प्लस छोटा माइनस ई आर। ये ब्रैकेट को यहीं खोल दूं, जगह कम है, ई इंटू आर ई आर, ई इंटू आर ई आर, ई बड़ा आर प्लस ई छोटा आर। देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ई बड़ा आर ई छोटा आर माइनस ई छोटा आर, ये दोनों कैंसिल हुआ। क्या मिला मुझे, यहीं पे लिख देता हूं, मुझे मिल रहा है ई बड़ा आर अपॉन आर प्लस छोटा आर, ये मिल जाएगा मुझे सॉल्व करूंगा तो। ओके नाउ सी, अब मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है, अभी मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है उसे मैं इक्वेशन नंबर थ्री दे देता हूं, काम का है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को मैं देखूंगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री है ना, वो मुझे काम के लग रहे हैं। क्यों काम के लग रहे हैं? अब मैं फिर से वही काम करने वाला हूं कि डिवाइड इट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन थ्री, क्या मिलेगा देखते हैं। देखो इक्वेशन वन में ई वन इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया हुआ, अच्छा ये ई वन की बात ही नहीं है यार, ई वन एक ही तो ई है, ठीक है, ई इज इक्वल टू वी बाय एल अपॉन एक्स वन, ठीक। तो मैं जब इसको, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूं, इसी चीज को मैं यू लिख देता हूं, ई आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स टू, लिख सकता हूं ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, ठीक। अब मैं इसे डिवाइड करने वाला हूं, नाउ लेट्स डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू, तो देखो क्या मिलेगा, ई अपॉन ई आर अपॉन सॉरी ई आर अपॉन आर प्लस छोटा आर इज इक्वल टू, देखो ये यहां पे ई अपॉन ई आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स वन अपॉन वी बाय एल इंटू एक्स टू। देखो वी बाय एल कैंसल, क्या बचना है, क्या बचेगा, एक्स वन अपॉन एक्स टू, ठीक। यहां मिटाऊ मैं, देखो अब क्या मिलने वाला है, इधर की बात करते हैं, ई ई कैंसल और ये r प्लस छोटा r डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, तो r प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू, ये मिला, ऐसा मिला मुझे, ठीक। ऐसा मिलने पर मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं और ये अलग अलग ले लेता हूं, तो r अपॉन r प्लस छोटा r अपॉन r, देखो अलग अलग कर दिया दोनों का डिनोमिनेटर को, इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू, आर अपॉन आर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, ठीक। अब इस वन को प्लस वन को इधर ले जाता हूं, प्लस वन को इधर ले जाता हूं, तो बचेगा छोटा आर अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। देखो इसी के आगे क्या होगा, इसके आगे लिखूंगा मैं आर, यही तो कैलकुलेट करना है छोटे आर को, मैं इस आर को इधर ले जाता हूं, इज इक्वल टू आर इंटू एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस वन, देखो क्या मिला हमें, ये क्या मिल गया, बहुत अच्छी चीज मिल गई। देखो ये आर रेजिस्टेंस हमें मालूम है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है ये, हमें पहले से मालूम है आर क्या होता है, हमने वो खुद सेट करके रखा है, एक्स वन और एक्स टू तो हमारी रीडिंग है, जॉकी को सेट करके देखे थे, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस किसी से ई सेल का मिल जाएगा, और उसमें हमको ईएमएफ तक जानने की जरूरत नहीं है उसकी, देखो डायरेक्ट हमें ईएमएफ की ई की वैल्यू तक वहां पे नहीं रखनी पड़ रही है, बस रीडिंग देखना है अपना, दो रीडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट, क्यों, क्योंकि नल पॉइंट पे डिपेंड करता है ये, नल पॉइंट के प्रिंसिपल पे सिद्धांत पे काम करता है, बहुत अच्छा सा एक्यूरेट का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा ओम यूनिट में, ठीक। ये जो R है वो तो हमें सेट करना है अपने हिसाब से, हम वहां पे सेट करेंगे 10 ओम 5 ओम क्या भी रखें, जो भी रखना है,
हमें बस देखना क्या है, डिफ्लेक्शन हमारे गैल्वेनोमीटर में जीरो है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, अभी फॉर्मूला बन गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू होल इंटू एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। चलो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का की है। क्या हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये की को ओपन करके रखे थे और जॉकी को मूव करके नल पॉइंट ढूंढे। कहां काम कर रहा था, बस ये वाला इधर वाला सर्किट काम कर रहा था। इधर वाले सर्किट में सिर्फ एक सेल था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, मगर वो कोई काम का नहीं आया, करंट ही नहीं बह रहा। ठीक, इंटर हमको मिल गया नल पॉइंट। अब दूसरे बार में हमने क्या किया, इधर में ये की को क्लोज कर दिया। अब ये वाला सर्किट पूरा काम कर रहा है, इसमें करंट घूम रहा है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसमें करंट घूम रहा है, मगर ये वी वाई जो पोटेंशियल है वो वी जे डैश के बराबर रहेगा, तभी तो यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, पोटेंशियल सेम रह गया था। कब हो रहा था ऐसे, जब यहां करंट घूम रहा था। तो करंट घूम रहा था, चलो करंट की वैल्यू को हमने मोटा मोटी कैलकुलेट कर दिया, ई अपॉन आर प्लस आर सीरीज में है, सीरीज में है दोनों इसलिए। ठीक, अब देखे हमने पी से वाई तक गए किरचॉफ्स लॉ का यूज करके क्या क्या पड़ रहा, क्योंकि वी वाई पता करना है हमें ना, वी वाई, वी वाई पॉइंट में कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ना। तो एक ईएमएफ पड़ रहा है, यानी एक सेल का ईएमएफ पड़ रहा है, और आर रेजिस्टेंस पड़ रहा है, छोटा आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी को कैलकुलेट करना है, और वो आई करंट बाहर है उसमें से अपने से। तो वो दोनों को कैलकुलेट किए, वो पता चल रहा था ई माइनस आई आर, यहां पे पोटेंशियल पता चल गया, उतना ही यहां पे क्रिएट हो रहा होगा इसीलिए तो नहीं बन रहा, इतना यहां पे हो रहा है तो पूरे लेंथ के लिए वी, यहां के लिए वी अपॉन एल इंटू एक्स टू, एक्स टू में मिला था इतने के बराबर, आई की वैल्यू रखे, आगे बढ़ते गए, थोड़ा सा कैलकुलेट किए, देखे कि ईएमएफ ई अपॉन ई तो हो रहा है, कट रहा है, देखो ई ई कट जा रहा है। ठीक, अब क्या बच रहा है, ये आर प्लस आर ऊपर चले गया और हमने अलग अलग किया, थोड़ा सा अच्छा से बनाया इस इक्वेशन को बनाने लायक, आर को अकेला छोड़ दो बस, क्योंकि उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और पता चल गया कि स्मॉल आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कैपिटल आर इंटू होल इंटू एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। याद रहेगा, एक न्यूमेरिकल करते पूरा समझ आ जाएगा। So now let us see one question which is given in our NCERT exercise. NCERT exercise में 3.23 question दिया हुआ है और ये question देख कर तो बिल्कुल कठिन लगता है, कुछ ऐसा लगता है क्या पता है क्या क्या चीज दे दी। देखिए बोल क्या रहा है, 2 volt की बैटरी लगाया है, ए बी के बीच में एक वायर है, एक सेल लगा है 1.5 volt का, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, और एक क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है, आर पता करो बोल रहा है। एक रेजिस्टेंस लगाया है 9.5 ओम का इसके पैरेलल में, इसके इसी के सीरीज में, इसके सर्किट में, और देखो उसको डैश 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 करके दिखाया है, मतलब क्या है, ये एक बार ऑन रहेगा, ये एक्टिव रहेगा और दूसरे बार एक्टिव नहीं रहेगा, इसका मतलब यही है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर डैश दिया मतलब क्या है, दोनों चीज हो गई क्या, नहीं दोनों चीज एक साथ नहीं है, एक बार आप इसको लो उसमें से हमें फिर नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू मिलेगा, और दूसरे में नल पॉइंट अगर इसको देखेंगे तो डैश 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 करके देखो ये गैल्वेनोमीटर वाला दिखाया है। पहले में जब कंटिन्यू लाइन है तब हमको नल पॉइंट मिल रहा है 76.3 सेंटीमीटर दूर ए पॉइंट से, ए नोड से, ए टर्मिनल से, और जब हमने ये वाली चीज को भी कंसीडर किया इस रेजिस्टेंस 9.5 ओम को, तो देखो डैश 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 वाला गैल्वेनोमीटर से गया 64.8 सेंटीमीटर में नल पॉइंट मिल रहा है। तो पता करो कि आर रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो गिवन क्या है लिखते हैं, गिवन क्या है, यहां पे बड़ा चीज, यहां पे बैटरी वी वन, सॉरी ईएमएफ लिख लेता हूं, ईएमएफ वन इज इक्वल टू 2.0 volt। ठीक, ई टू क्या दिया है 1.5 volt, ये ले लेता हूं एक्स वन, एक्स वन दूरी पे मिला मुझे, बोलता हूं पहला नल पॉइंट एक्स वन इज इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर, X2 is equal to 64.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक तरफ है कि नहीं, ए टर्मिनल की तरफ है कि नहीं, है ना, वरना फिर वो हेर फेर गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात आती है यहां पे रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से शो करता था मैं अभी, तो 9.5 ओम, और कुछ छूट रहा है क्या, नो देखो यहां पर बहुत आसान दिख रहा, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, पता क्या करना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू टू फाइंड
आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी को एक्स वन लेना, इसको एक्स टू लेना। कारण क्या है, क्योंकि देखना जब ये रेजिस्टेंस प्ले करेगा सर्किट में, काम आएगा, खेलेगा यहां पे अपने साथ में, तब ऑब्वियस सी बात है कि नल पॉइंट कहीं और मिलेगा, कहीं और मिलेगा, और जहां भी मिलेगा उसका लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि अब करंट इधर भी फ्लो होने लग गया, करंट इसके अराउंड फ्लो होने लग गया, तो उस तरफ नहीं जा रहा करंट, कोई बात नहीं, गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा नल पॉइंट मिला करके, मगर क्योंकि इधर में कुछ प्ले हो रहा है तो ये जो पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। क्यों पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट फ्लो हो रहा, तो पहले तो सिर्फ E की वैल्यू आती थी, E की वैल्यू आती थी, मगर अब पोटेंशियल किसके कारण ड्रॉप हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के कारण भी, क्योंकि अब करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा, कम होगा तो यहां पे जो पोटेंशियल था उससे कम मिलेगा पोटेंशियल, है ना, कम। देखो इधर जितना आते जा रहा हूं जीरो हो रहा है, देखो यहां पे जीरो बोला था ना, यहां पे जीरो, तो यहां पे जीरो, तो इसके कितने पास आ रहा हूं मैं, पोटेंशियल कम मिलेगा, कम इसीलिए मिलेगा, इसीलिए x2 लेना 64.8 को। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझ में आ रहा है, आप ऐसे मत लेना x2 is equal to 76.3, क्यों नहीं, क्योंकि वो पहली रीडिंग होगी जब आप ये रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, पहले वाले में डैश डैश करके दिखाया ना, पहले में सिर्फ ये वाला कंसीडर होगा इसीलिए कंटिन्यू लाइन, दूसरे में डैश डैश वाले को कंसीडर करेंगे तो x2 बनेगा 64.8, क्यों वो वैल्यू 64.8 ही क्यों x2 लेना है, क्योंकि मैंने ये डैश वाले को कंसीडर किया है जिसमें पोटेंशियल थोड़ा और कम हो जाएगा, तब जाके मुझे कहीं और में मिलेगा मुझे नल पॉइंट। तो R की वैल्यू पता करनी है, और हमें मालूम है, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, कि स्मॉल R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। चलो वैल्यू रखते हैं एक्स वन अपॉन एक्स टू की, और पता करते हैं R की वैल्यू क्या है। R इज इक्वल टू कैपिटल R 9.5 ब्रैकेट के अंदर 76.3 अपॉन 64.8 माइनस वन। बहुत बढ़िया, आर इज इक्वल टू 9.5, कितना मिलेगा 76.3, यानी 763 अपॉन 648 बोल सकता हूं, 763 अपॉन 648 माइनस वन। क्यों? क्योंकि डेसिमल एक एक डिजिट के बाद था, अपॉन 10 दोनों कैंसल, इज इक्वल टू 9.5, इसको माइनस करके देखना, सॉरी इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करोगे तो 1.177 ऐसा कुछ आएगा, करना भाई बायो वाले स्पेशली करना। अब चलो माइनस करेंगे, माइनस 1 से किए तो ऑब्वियस ही बात है 0.177 इंटू ब्रैकेट के अंदर 0.177 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा लगभग R इज इक्वल टू 1.686 ओम, इतना मिलेगा 1.686 ओम करके देखिएगा, इतना मिलेगा, डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड में नहीं करने वाला, अभी करके रख सकूं, पहले से कर लिया 1.686 ओम। देखो कितना एक्यूरेट निकाल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस अप टू डेसिमल के 3 डिजिट तक, इतना अच्छा निकाला। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 1.686 ओम। ठीक, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कोई काम ही नहीं आई, कुछ काम नहीं आया, वो तो हमने रीडिंग में सेट कर लिया था। ठीक है, आसान, आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, बाकी कोई चीज सेम, ऐसी कोई डिफर नहीं होने वाली, ऐसे वाले क्वेश्चंस JEE और नीट में भी पूछे जाते हैं, हमारे बोर्ड में तो ऑब्वियसली पूछ भी देते हैं। पोटेंशियोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आखिरी टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।